And when we go to Rajaji National Park, that is sorry, in Gangotri it's Bhagirathi. In Rajaji National Park it is Ganga, and in Jim Corbett National Park it is Ram Ganga. Okay, so we did all that. In Nanda Devi National Park, we last time हमने GLOF के बारे में पढ़ा था, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है ना? तो नंदा देवी की एक ट्राइब्यूटरी होती है दौली, नंदा देवी से एक वो चलती है रिवर जिसका नाम है ऋषि गंगा, उसके ऊपर आया था हमने, हम बात कही थी GLOF का जो प्रोजेक्ट था, सॉरी जो GLOF का जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके बारे में। इसके साथ ही अगर आप बिल्कुल साथ में देखो तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी है। इट्स एन एडिशनल सेंस ऑफ एडिशनल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, आप लिख सकते हो अपने पास से कि यहाँ पे एक रिवर है उसका नाम है, लेट मी चेक विच रिवर इज दैट, पुष्पावती रिवर। यस, पुष्पावती रिवर वो आपकी गुजरती है, ठीक है? लेट मी शो यू वेयर इन वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, डू राइट पुष्पावती रिवर। ओके, पुष्पावती, इतना कभी पूछा नहीं गया लेकिन लेट मी जस्ट एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको ऐड करने दो, पुष्पावती रिवर। ओके, तो पुष्पावती, अगर ये बोला जाए कि पर्टिकुलरली वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क से कौन सी रिवर गुजरती है, तो पुष्पावती है। और नंदा देवी नेशनल पार्क से हमने ऑलरेडी करके आ चुके हैं, ऋषि गंगा है, ठीक है ना? इट इज ऋषि गंगा जो कि धौला गंगा में चले जाती है, और धौली गंगा फिर कहाँ चले जाती है, अलकनंदा में, ठीक है ना? गुड, वी डिड दैट। We also did one important thing here. Did you guys tend to notice that Rajaji National Park and Jim Corbett National Park दो different elevations में हैं, और जिसके कारण वहां पे राजाजी नेशनल पार्क में कुछ different type की फ्लोरा एंड फौना, एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज होंगे एज कंपेयर टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वी डिड इन द लास्ट क्लास। याद है हमने ये डिस्कस किया था, जिम कॉर्बेट इज मोर इन द तेराई रीजन। ओके, तो तेराई रीजन में एलिफेंट ग्लास होता है, और यहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया है अभी वन हॉर्न राइनोसोरस इंडिया का, एलिफेंट ग्लास खाने के लिए। यहाँ पे कौन कौन सी और प्रजातियां होंगी, हमने ये भी पढ़ा था, ये डिफरेंस पढ़ा था हमने, ठीक है ना? तो दीज आर बेसिकली सम नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तरांचल, ओके, उत्तराखंड। ओके, वन टू थ्री वन, देर इज मोर आई थिंक, लेट मी चेक इफ आई हैव दो स्लाइड विद मी, लास्ट लेट मी चेक जस्ट अ सेकंड, या आई हैव दैट, इट्स स्टिल अपलोडिंग गाइस, सो यू हैव टू वेट। सो वी डिड ऑल दीज थिंग्स, व्हाट एल्स इज देयर, लेट मी चेक। ओके, वी डिड GLF, या तो उत्तराखंड में हमने एक और रिवर, एक जो हमारा रहता है वो है गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ठीक है ना? ये भी उत्तराखंड में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उत्तराखंड में है, लेट मी चेक व्हाट आई हैव दो स्लाइड विद मी, व्हिच नंबर स्लाइड इज इट, 350। ओके, 358, लेट मी चेक। ओके, सो इफ यू सी दिस स्लाइड, यू कैन सी दैट राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है ना, गंगा रिवर जाती है वहां से, और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क में पुष्पावती रिवर जाती है, गोविंद नेशनल पार्क से आपकी रिवर जाती है, याद रखिए, रिवर टॉन्स, ठीक है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज रिवर टॉन इज द मेन ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। नॉर्मली यमुना डजेंट टेक पार्ट इन, मोस्टली ये कहीं से ज्यादा होके गुजरती है, नहीं, लेकिन यहाँ से ये गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है जो हमारा उत्तराखंड में है, वहां से यमुना होके गुजरती है। यमुना की ट्राइब्यूटरी कौन सी है, रिवर टॉन्स, टॉन्स, ठीक है ना? TONS एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है, यू नीड टू रिमेम्बर। वीडियो पॉज हो रही है बेटा, एनीवन, इज इट ओके?
good, good, good. So we did that. River Tons. Let me again put that information with you guys, share with you guys. Okay, so we did Govind National Park, Gangotri, Valley of Flower, Nanda Devi, Rajaji, Jim Corbett National Park. So these are the major national parks of Uttarakhand. ठीक है ना, आगे हम चलते हैं तो हमारे पास आता है हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में याद रखिए, I have that slide with me, which are those. सबसे ऊपर अगर देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे इंदर किला नेशनल पार्क, ठीक है, ये वाला. उसके बाद आएगा पिन वैली नेशनल पार्क, दिख रहा है. उसके बाद आएगा ग्रेट हिमाचल हिमालयन नेशनल पार्क, और इसको आजकल हम बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, ग्रेटर हिमालयन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है जी. उसके बाद आएगी खीर गंगा नेशनल पार्क, और लास्ट में आएगा सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क. वाई यू शुड रिमेम्बर दिस, अगेन याद रखो, सिंबल बाड़ा को इस तरह से याद रखना है क्योंकि ये ना बॉर्डर एरिया में है, बॉर्डरिंग स्टेट में है, सॉरी. पोंटा साहब का नाम सुना होगा आपने, एनीवेयर हियर पोंटा साहब, पोंटा साहब है ना, तो दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, एंड नीचे से इसको बॉर्डर लगता है अपना यूपी का अपर बॉर्डर लगता है ना. तो यहाँ पे एक पोंटा साहब जगह है, तो पोंटा साहब से अगर एक आप देख रहे हो तो रिवर आ रही है ऊपर से, उसका नाम है यमुना, ठीक है ना. तो यमुना होके गुजरती है यहाँ पे सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क से. यू शुड नो अबाउट दिस रिवर, ये जो नीचे से ऊपर आ रही है ये सिंबल बाड़ा से होके गुजरती है, और सिंबल बाड़ा पोंटा वैली में आता है, पोंटा साहब वैली में, ठीक है ना. तो ये बॉर्डर में आता है सिंबल बाड़ा, तो आपको पता चल गया. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक रिवर आती है पिन, पिन रिवर. ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना, पिन रिवर कहाँ से गुजरेगी, पिन वैली नेशनल पार्क से होके गुजरेगी, ठीक है ना. इसमें तो कोई दोराहे नहीं लग रहे ना आपको, कोई ऐसा डिफिकल्टी तो नहीं लग रही ना समझने में. पिन वैली कहाँ पे होगी, पिन वैली नेशनल पार्क में होगी, ठीक है ना. व्हाट एल्स, लेट मी चेक व्हाट आई हैव मोर. इट्स स्टिल लोडिंग. Wait. What else is there? I have that one slide. Wait, guys. Wait, wait, wait. We did that. One more slide is there. I'm not finding it, guys. Basically, it was all the national parks that are in Himachal Pradesh. We have already did that. Let me check if I have that slide. 1 minute, guys. Where are we? या अभी जो ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क है, हमने अभी जो बात कही है, दैट इज इन क्या कहते हैं, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क. लेट मी चेक दैट गाइस फॉर यू, वेयर इट इज दैट. या ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है. इसके लिए इंपॉर्टेंट दो चीजों से है, क्योंकि यहां से तीर्थान रिवर एक पास करती है जो कि तीर्था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी जाती है. व्हाई यू नीड टू रिमेम्बर दिस, बिकॉज इट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास. वी डिडंट डिड दैट क्योंकि हमने सोचा था कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई वेंट थ्रू द लिटरेचर एंड दैट दे हैव मेंशन स्पेसिफिकली, और एक करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, ठीक है. तो तीर्था रिवर जो है वो ब्यास की एक ट्रिब्यूटरी था. याद है हमने लारजी डैम पढ़ा था, लारजी डैम
मैंने आपको बताया था कि ये वो डैम है जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज के 23-24 बच्चे जो थे वो आ, आ, पानी में बह गए थे, लार्जी डैम। तो ब्यास में तीर्था रिवर जो है वो यहीं पे आके मिलती है लार्जी डैम पे, और तीर्था रिवर जो है वो ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क जो है वहां से होके गुजरती है। एक बात तो ये रही बात, ठीक है। दूसरा आपको बात यहाँ पे याद रखनी है कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने एक नया जैसे रिपोर्ट कार्ड सा या एक एप्पलो इवेल्युएशन मेजर निकाला था, उसका नाम उन्होंने रखा था, लेट मी टेल यू दैट दैट इज नोन एज मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एंड इवेल्युएशन, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2021 में, जनवरी की न्यूज है, जनवरी में ये एक सिस्टम निकाला है। इसमें से इनमें से 146 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड किए गए हैं, और इसमें से नंबर एक पे आया है, इस सर्वे में जो नंबर एक पे आया है वो है ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क एंड तीर्था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये याद रखो हमेशा, तीर्था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, ये दोनों नंबर एक पे आए हैं, ठीक है जी। इसमें ये बताता है कि क्या क्या इन्होंने कंजर्वेशन मेजर्स निकाले गए हैं जो जो वहां पे, मतलब जिससे उनको फायदा हुआ, वहां पे कंजर्वेशन स्टेटस में बहुत ज्यादा फायदा मिला है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। व्हाट एल्स हाँ ठीक है जी। लेट मी चेक इफ आई हैव सम मोर। पिन वाली नेशनल पार्क में पिन रिवर जाती है, ग्रेट नेशनल हिमालय नेशनल पार्क में तीर्थ रिवर जाती है। यस, और इसमें से 62% स्कोर इसने लिया है। और सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है यूपी का एक वाई टर्टल, मैंने टर्टल कोई है वर्स्ट परफॉर्मिंग, ठीक है ना। टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोई वहां पे, दैट इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग, डू एंड चेक ऑन द नेट, ठीक है। टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, दैट इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अकॉर्डिंग टू दीज एवेल्युएशन मेजर्स। ओके, व्हाट एल्स इज देयर, व्हाट एल्स। और जो ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क है, दैट इज आल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर द मिक्स्ड कैटेगरी। डू राइट दिस, जो ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क है ये वर्ल्ड, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, और क्या, और ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड मेजर थिंग्स ओवर हियर। ओके, what else if I have those? अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क की, जस्ट अभी देखो, तो मेरे को ये बताने की जरूरत है कि यहाँ पे क्या क्या होगा। ऑलवेज एक तो रट्टे ही मार लो, जितने भी हिमालय रीजन की जो आ, आ, प्रजातियां हैं उसमें, क्योंकि यहाँ पे हिमालय रीजन है, एवरेज हाइट 3500 मीटर से ऊपर की होएगी, तो कौन सी आएगी, सारे के सारे चिर पाइन, रोडोडेंड्रॉन्स, व्हाट एल्स देयर, चिर पाइन्स, स्प्रूस, रोडोडेंड्रॉन्स, और ये वाले जो नीडर लाइक कॉनिफेरस फॉरेस्ट के जो प्रजातियां होती हैं, जूनिपर्स, ये होएंगी अबव 3500 मीटर्स, है ना, जितनी भी इनकी हाइट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं इसकी बोलूं कि यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना, फौना कौन से है, मतलब एनिमल कौन से हैं, तो आपको पता है जो हमने लास्ट टाइम भी करे थे, स्नो लेपर्ड होएगा, हिमालयन बियर, ब्राउन बियर होगा, हिमालयन टाहर होगा, मस्क डियर होगा। तो ये मैंने आपको बोला था कि बताने की जरूरत नहीं, दिस इज ऑलरेडी मेन, कि ये आपको पता है, ठीक है ना। गुड गाइस, लगा समझ? तो फिर आगे चलते हैं हम, ग्रेटर हिमाचल नेशनल पार्क, इंद्र किला भी यहाँ पे है, इंद्र किला नेशनल पार्क। डू सर्च ओवर द नेट, वेयर इज इंद्र किला नेशनल पार्क एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट, कोई रिवर यहाँ पे गुजरती है, मेरे को नहीं मिली है, बट आई वांट यू टू सी कि यहाँ पे कोई रिवर अगर गुजरती है तो डू लेट मी नो, दिस इज योर होमवर्क।
and what kind of species we will find over here. Okay, good. Yeah, the clear. Now if we move further, we will also see that ठीक है, इंदर किला हो गया, ग्रेटर आ गया, खीर गंगा नेशनल पार्क भी आपका यहीं पे आएगा. ये हॉट स्प्रिंग्स है, यहाँ पे खीर गंगा है. खीर गंगा इज ऑल्सो ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर. ओके, ये सारे ना कुल्लू में आएंगे, ये सारे अगर ध्यान में देखना. पिन वैली, गोविंद नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, दे आर बेसिकली इन कुल्लू वैली. कुल्लू वैली से एक रिवर होगी गुजरती, उसका नाम है ब्यास, यू शुड ऑल नो. ठीक है ना, तो ये ब्यास से होके गुजरते हैं. किश्तवाड़ से कौन सी रिवर होगी गुजरती थी यहां से? किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज इन जे एंड के. ओके, इन जे एंड के वी हैव बेसिकली 1, 2, 3 and 4 नेशनल पार्क, 4 नेशनल पार्क्स वी आर देयर. ठीक है ना, एंड कैन समबडी टेल मी विच रिवर वी डिड दैट पास थ्रू किश्तवाड़ रीजन? नॉट इंदर किला, ये वाले हैं चार, 1, 2, 3, 4 है ना. विच रिवर? किश्तवाड़, किश्तवाड़, नॉट जेलम, इट्स चिनाब. जेलम वाज इन वेरीनाग, वेरीनाग से स्टार्ट होके जा रही थी वो ऊपर, ठीक है ना, श्रीनगर में. यहां पे आएगा किश्तवाड़. तो किश्तवाड़ से चेनाब पास नहीं होती है किश्तवाड़ नेशनल पार्क से, बट बिल्कुल पास ही होके गुजरती है. एक और इसकी ट्राइब्यूटरी है, आई फॉरगॉट इट्स नेम, डू चेक इन द नेट कौन सी ट्राइब्यूटरी थी. ठीक है, वो यहां से पास होके आती है. लेट मी चेक इफ आई हैव द नेम ऑफ दैट इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क में से होके गुजरती है. हाँ, ये ना कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है, याद रखिए. ठीक है, कॉन्फ्लुएंस पे. ठीक है, तो मारवा रीजन, मारवा, MARWA, मारवा रिवर आती है. ठीक है, जो कि इसको वेस्ट से गुजरती है और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट से आती है रिने रिवर. लेट मी राइट इट हेयर, RINNAY, रिने रिवर ऊपर से आती है और मारवा रिवर वेस्ट और साउथ वेस्ट से आती है. इन दोनों के जॉइंट पे किश्तवाड़ है, याद रखिए. और मारवा रिवर इज अगेन द ट्राइब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर, चेनाब रिवर. ओके, ग्रेट. डू ये लिख लिया करो अपने तरफ से, ताकि आपको एक्स्ट्रा सेंस बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है याद रखे. बंदरकूट, या बंदरकूट, यस शिवम, बिल्कुल सही बात. लेट मी चेक व्हाट एल्स इज देयर. नाउ इफ यू सी, वी हैव पर्सन्स नेम ओवर हियर, सलीम अली नेशनल पार्क. इसका नाम अभी रॉयल कुछ करके चेंज कर दिया गया है, रॉयल गोल्फ कोर्स कर दिया गया है शायद इसका नाम चेंज करके. सबसे पहले इसको सिटी फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था, फिर इसको सलीम अली, जो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पे ये इनका नाम पड़ गया नेशनल पार्क का. और अब ये जाना जाता है रॉयल गोल्फ कोर्स करके नाम पे है कुछ ही नाम, अभी चेक कर लेना आप. डाची गाम नेशनल पार्क, यू शुड नो अबाउट दिस नेशनल पार्क. वाई? बिकॉज इट, ये जो डाची का मतलब होता था 10, गांव का मतलब होता था गांव, विलेजेस. तो 10 विलेजेस को खाली करा के इसको नेशनल पार्क बनाया गया था. यू नो कि नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती है. ठीक है, तो ये खाली कराने पड़े थे डाची गांव के नेशनल पार्क, 10 विलेजेस को खाली करना पड़ा था. वाई इट वॉज नेसेसरी, कौन सा प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है? यू शुड नो कश्मीरी स्टैग, जिसका नाम लोकल लैंग्वेज में नाम है हंगुल, HANGUL. तो दिस इज योर होमवर्क टू स्टडी अबाउट दिस. ठीक है, हंगुल का क्या 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 था, क्यों न्यूज में रहता है. हंगुल की एंडेमिक पॉपुलेशन, अकेली एंडेमिक पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है टाची गांव नेशनल पार्क में. गुड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हेमिस नेशनल पार्क. ये आपको याद करना है, दैट्स वेरी नंबर एक, क्योंकि यहाँ पे हेमिस्ट मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री. ये 2013-14 में क्वेश्चन आया था कि हेमिस्ट मोनेस्ट्री अरेंज करो. 3-4 मोनेस्ट्रीज दी गई थी, ताबो मोनेस्ट्री, हेमिस्ट मोनेस्ट्री, तो अरेंज करना था.
पहली बात, सबसे बड़ी बात जो इस नेशनल पार्क की है, हेमिस नेशनल पार्क की, एंड डू सर्च इट ओवर द नेट, सिर्फ मेरे इंफॉर्मेशन पे मत बैठा करो, सर्च किया करो खुद भी नेट को, ठीक है ना। ये हेमिस नेशनल पार्क क्यों न्यूज में है? हेमिस नेशनल पार्क आपको याद होना चाहिए कि अकेला नेशनल पार्क है जो कि ट्रांस हिमालयन रीजन पे बेस्ड है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देर इज नो अदर, यू कैन से नेशनल पार्क दैट इज इन इंडिया दैट इज द ट्रांस हिमालयन रीजन। ओके, ऑल आर इन द ग्रेटर हिमालयन रीजन और लोअर। ओके, ट्रांस हिमालयन रीजन में हमेशा आपके पास एक ही आएगा, ठीक है, कौन सा है वो? हेमिस नेशनल पार्क, एंड इट इज इन लद्दाख रीजन। एंड वी डोंट नो कि लद्दाख जो रेंजेस हैं, जस्कर रेंजेस हैं, दे आर द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन रीजन। ओके, तो ये हेमिस नेशनल पार्क एक नंबर वन ट्रांस हिमालयन रीजन में पाया जाता है, नंबर टू हाईएस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, ठीक है, जो कि कंप्लीटली विद इन इंडिया है। तो यह लार्जेस्ट है, और सेकंड कंटिगुअस नेशनल पार्क है आफ्टर नंदा देवी नेशनल पार्क। कंटिगुअस होता है कि इकट्ठा, ठीक है ना। ओके, तो यू शुड नो अबाउट दैट हर हेमिस नेशनल पार्क। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड इज फाउंड ओवर हियर। स्नो लेपर्ड इज फाउंड ओवर हियर। ओके, गुड गुड गुड, डन डन गुड। नाउ आप सबने एक क्वेश्चन नहीं मेरे से पूछा, आई थॉट कि आप मेरे से पूछोगे, अभी मेरे को याद आया था, आई विल टेल यू अबाउट दैट। यहाँ पे हमने पढ़ा था ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि हमने बोला था कहाँ पे है, इन इट इज इन हिमाचल प्रदेश। हमने कहा यहाँ पे तीर्था रिवर जाती है, इट्स गुड। हमने इसके बारे में और भी बात कही थी कि कौन कौन से यहाँ पे पाए जाएंगे, बट वाई इट इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्यों इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है क्योंकि हमने, आपको पता होगा, बायो जियोग्राफिकल रिल्म्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, बायो जियोग्राफिकल रिल्म्स के बारे में पढ़ा था ना, वी डिड दैट ना। व्हाट आर बायो जियोग्राफिकल रिल्म्स बताइए। एनी मनी, जब हमने ये स्टार्ट किया था एनवायरनमेंट का, वी डिड कि इंडिया में देर आर अराउंड कितने टोटल होते हैं बायोजियोग्राफिकल रिम्स, हाउ मेनी आर देयर? देर आर बताइए, सही सही उत्तर दीजिए। आठ बायोजियोग्राफिकल ना, आठ आठ से नौ आते हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू ऐड। तो उसमें से आपने पढ़ा था पेलार्टिक और इंडोमलायन, ठीक है ना, क्योंकि ये अकेला ऐसा नेशनल पार्क है जो दो पेलार्टिक, दो बायोजियोग्राफिकल रियलम्स में आता है, अकेला ऐसा नेशनल पार्क है, तो इसीलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज दिया गया, क्योंकि ये पेलार्टिक रीजन, यानी कि इसमें पेलार्टिक रियलम भी आता है और दूसरा रियलम आता है, इसमें कौन सा रियलम आता है, नीचे से इंडो मलायन रियलम, ठीक है ना, दो रियलम आते हैं, तो इसकी बायोडाइवर्सिटी काफी डाइवर्स है, क्योंकि ये इतना ज्यादा, इसमें दो डिफरेंट टाइप के आपके रियम्स आते हैं, बायोजियोग्राफिकल रियम्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ओके, व्हाट एल्स इज देयर? यहाँ पे स्नो लेपर्ड भी पाया जाता है और साइबेरियन आइबेक्स। आइबेक्स आइबेक्स किसकी टाइप होती है? आई वुड लाइक यू टू फाइंड आउट। साइबेरियन आइबेक्स भी पाया जाएगा और
स्नो लेपर्ड भी पाया जाएगा. नाउ स्नो लेपर्ड इज ऑल्सो एन इंडिकेटर स्पीसीज. मैंने बताया था फॉर एनी इकोसिस्टम स्नो लेपर्ड इज ए इंडिकेटर स्पीसीज. ओके, उसका हेल्थ कैसे है. तो इसीलिए हमने स्नो लेपर्ड को इतना ज्यादा तवज्जो देना शुरू किया है अभी इकोलॉजिस्ट ने, ताकि आप उसकी प्रेजर्वेशन कर पाओ. अगर ये इनकी हेल्थ अच्छी होगी, अगर इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा वो अच्छा होगा. व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाई इट इज एन इंडिकेटर एंड कीस्टोन स्पीसीज, बिकॉज इट विल अफेक्ट द पॉपुलेशंस ऑफ मोस्टली. ये कहाँ पे पाया जाएगा, जहां पे ग्रासलैंड अल्पाइन ग्रासलैंड्स होंगे, है ना, अल्पाइन ग्रासलैंड्स होंगे, घास खाने वाले होंगे जो वहां पे ज्यादा होते हैं, चरवाहे जहाँ पे ज्यादा होते हैं घास खाने. घास कौन खाएगा, शीप खाएगा, आइबेक्स खाएगी. एक हमने ब्लू शीप पढ़ी थी, याद है ब्लू शीप, आज हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो पढ़ी थी. एक हमने अल्ताई पढ़ेंगे, अल्ताई क्या होता है, ये अल्ताई शीप, ये सारी शीप की यू नो वैरायटीज है, वाइल्ड शीप की वैरायटीज है. You will find all these here. But if you, if we, भाई यहाँ पे स्नो लेपर्ड नहीं होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा कि सारे का सारा ग्रास लैंड को ये खा जाएंगे, ठीक है ना, ग्रासेस को ये खा जाएंगे. ग्रास के खाने के कारण क्या होगा, वहां का इकोसिस्टम क्लैप्स हो सकता है. तो अगर स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन अच्छे से रहेगी तो अल्पाइन ग्रास लैंड रहेंगे, अल्पाइन ग्रास लैंड का रहेंगे तो इनकी पॉपुलेशन चेक में रहेगी. गुड, अंडरस्टैंड अप टिल नाउ, समझ आ रहा बेटा, गुड अप टिल नाउ, कोई डिफिकल्ट चीज तो नहीं लग रही है. इफ यू वॉन्ट मी टू रिपीट आई कैन रिपीट, जस्ट लेट मी नो. ओके, क्या आपको लग रहा है कि सर नहीं ये आप एक बार दोबारा से बता दीजिए, तो आई कैन रिपीट दैट एज वेल. ओके, चलिए, इफ यू आर क्लियर विथ दिस देन लेट अस स्टार्ट अवर क्लास. कंचनजंगा ओके, सो लेट अस स्टार्ट. Wait a sec. Okay. ये हम मॉलिंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ये हम आगे पढ़ेंगे जाके, अभी के लिए इसको रहने दो, ठीक है. We will, जब मैं आपको ये कराऊंगा डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, नामदम्फा नेशनल पार्क, ये वाले सारे जब मैं नॉर्थ ईस्ट का कराऊंगा, तब मैं ये सारा एकदम से करवा जाऊंगा. इनके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो भी हम साथ साथ में कर लेंगे, लेकिन अभी साथ साथ में नोट्स बनाते हैं ना, बाद में टाइम नहीं लगेगा आपका, ठीक है ना. ओके गुड गाइस, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. ओके नाउ ओके, तो इन द लास्ट क्लास वी डिड व्हाट आर डिफरेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा. ओके, हाउ द गंगा किस तरह से फॉर्म होती है. नाउ लेट अस स्टार्ट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर, ठीक है ना. हमने इसका कोर्स कर लिया था, ये कानपुर के किनारे होके जाती. याद रखिए, ये जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, कई बार ये पूछ लेते होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एट द बैंक ऑफ विच रिवर. ओके, तो आपको बताना चाहिए कानपुर, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, मिर्जापुर जहां से कि आपका 82.5 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होके गुजरता है, वाराणसी, गाजीपुर, ये बिहार में अरा जगह, पटना, बेगूसराय, साहेबगंज, ये सारे एरियाज, जो सारे सिटीज हैं, यू नीड टू रिमेम्बर देम. ओके, किसी भी ऑर्डर में वो पूछ सकते हैं. आपको इसके बाद का भी बताया था कि भाई जब ये नीचे चले जाता है, यहाँ पे एक हिल्स आते हैं, कौन से हिल्स हैं, वो राजमहल हिल, इसके कारण ये नीचे को चले जाता है वेस्ट बंगाल में. और जब वेस्ट बंगाल में जाती है, हमने पढ़ा था यहाँ पे गंगा के ऊपर एक छोटा सा बांध है, उसका नाम है फराखा बैरेज. फराखा बैरेज में दो तरफ से बढ़ जाती है आपकी गंगा,
एक तो जो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है उसको हम बोलते हैं पद्मा, ठीक है, और जो नीचे चले जाती है उसको बोलते हैं हुगली रिवर के लिए चली जाती है, नीचे रिवर, ठीक ना, ओके, गंगा होकली बैराज जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे चले जाता है, इसका पानी निकाल लिया जाता है थोड़ा सा, ठीक है, और गंगा दो हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है, पद्मा और हुगली। नाउ ये तो इसका था ओवरऑल कोर्स, लेट अस डिस्कस सम, इसके राइट साइड में कौन सी होंगी और लेफ्ट साइड में कौन सी होंगी, वो डिड ना, ठीक ना, लेट अस डिस्कस, दिस इज ओवरऑल गंगा, ठीक है ना, तो गंगा ये है, यमुना ये है, आगे चलते हैं, भटारी लेफ्ट पहले आवाज टू लॉग इन, इसी कारण आई थिंक ये हो रहा है पीछे से, ओके, सो नाउ इट्स ओके गाइस, दिख रहा है, कौन सी ब्लैक बैक स्लाइड, अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं गाइस, अभी हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज करनी है, सॉरी लेफ्ट बैंक गंगा की, ठीक है ना, जो गंगा को ज्वाइन करती है, ठीक है, लेफ्ट की ओर से अभी हमने वही पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए जो सबसे लेफ्ट बैंक सबसे पहले जुड़ती है वो है कौन सी, राम गंगा, राम गंगा को हमने पता था कि वो कहाँ से होके जाती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होके जाती है, ये स्टार्ट कहाँ से होती है, यू शुड नो दिस, ये स्टार्ट होती है आपकी एक मिनट, ये स्टार्ट होती है दूधोतली रेंज, एक एरिया है, ठीक है, वहां से स्टार्ट होती है, एंड इट इज इट लाइज कंप्लीटली विद इन विच इंडियन पार्ट, ठीक है ना, इंडिया से स्टार्ट होती है और इंडिया में ही खत्म होती है। अब हम जो रिवर्स पढ़ने जा रहे हैं गंगा की, जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है सारी की सारी,
आपको दो हिस्सों में याद रखनी है, कुछ उसमें होएंगी इंडियन ओनली जो इंडिया से ओरिजिन लेती लेती है और इंडिया में ही खत्म होती हैं, कुछ होएंगी जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स होएंगी। ट्रांस बाउंड्री का मतलब चाहे वो तिब्बत से या नेपाल से होके फिर इंडिया में एंटर करेंगी, इसको हम बोलते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर्स। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर, ठीक है। तो ट्रांस बाउंड्री रिवर का क्या मतलब है, जो कि नेपाल से या तिब्बत से या चाइना से होके इंडिया में एंटर कर रही है, तो ट्रांस बाउंड्री रिवर इज आर दोस। तो इंडियन रिवर कौन सी है, अभी हमने जो बात करी, या नॉट इंडस एंड ब्रह्मपुत्र गाइस, ट्रांसबाउंड्री, या ओके ओके दैट में, अच्छा ठीक है, ओके रचना बिल्कुल ठीक है, ब्रह्मपुत्र इज ए ट्रांसबाउंड्री रिवर, एंड इफ आई से रामगंगा इट इज ए इंडियन रिवर जो इंडिया में स्टार्ट होती है और इंडिया में ही चले जाती है, ठीक है। तो ये है रामगंगा, ये मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहां से होके उसके से होके ये एंटर कर गई है। ये देखो कहाँ से होगी, ये है शिवालिक हिमालयस, और शिवालिक हिमालयस की फुटस्टेप्स में है, आपके तराई रीजन में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसको ये पास करके यूपी में एंटर करती है और मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में चले जाती है, ठीक है ना। मुरादाबाद से ये फिर नीचे को आती है बरेली, बरेली का नाम सुना होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट, बरेली इसी के तट पे है, ठीक है ना। तो बरेली से नीचे होती हुई कानपुर में, ये कानपुर से जस्ट 20-30 किलोमीटर ऊपर ये गंगा में समा जाती है, कॉन्फ्लुएंस हो जाता है उनका, और इस अब ये रामगंगा ये सबसे इसकी लेफ्ट, सबसे पहली लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। गुड 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 गुड, तो रामगंगा इज एन इंडियन ट्राइब्यूटरी। इसी तरह गोमती का नाम सुना होगा आपने, गोमती, तो सबसे पहले आ गई रामगंगा, देन आ गई गोमती। इससे हमने पहले की बात करके आ चुके हैं, ये देखो ये हम बार बार नहीं बात करेंगे कि ये अलकनंदा कौन सी है, भागीरथी कौन सी है, ठीक है, उनके जुड़ने से बात गंगा बनती है, वी डिड ऑल दैट, है ना। तो ऋषिकेश उनके ऊपर है, उसके बाद जब ये प्लेन एरिया में आ जाती है तो हरिद्वार में आ जाती है, ठीक है ना। तो वी ऑल डिड ऑल दैट बिफोर। अब हम जो बात कर रहे हैं इसकी, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज मेजर जो है उनकी बात कर रहे हैं, तो वी डिड दैट, बरेली में चले जाती है और गोमती ताल, हाँ गोमती ताल अगर इसके ऊपर देख रहे हो तो एक टाइगर रिजर्व दिखेगा आपको, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी ट्रांस बाउंड्री है, ये इसका बॉर्डर यहां से नेपाल के साथ लगता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का, और जहां पे ऑलमोस्ट खत्म होता है ना वहीं पे शुरू होती है गोमत ताल से, मद्दो टांडा विलेज है एक, वहां से स्टार्ट होती है कौन सी रिवर, गोमती, और ये हरदोई के लेफ्ट साइड से होके गुजरती है और ये फिर जाती है आगे लखनऊ। हाँ इम्पोर्टेंट सिटी यहाँ पे कौन सा है, लखनऊ, यू शुड नो दैट। यूपी में लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर ये किसकी तट पे आते हैं, गोमती के तट में आते हैं, और गोमती जो है उसकी एक और ट्राइब्यूटरी है, उसका नाम है साई, इसको आदि गंगा भी बोलते हैं, आदि गंगा, ठीक है आदि गंगा, और ये दोनों वाराणसी से पहले ही मिल जाती है, किसमें, जो ऊपर से गोमती आ रही है, और फिर ये गोमती है ये वाराणसी से 30-40 किलोमीटर आगे जाके किसमें, गंगा में जुड़ जाती है, ठीक है, गंगा में जुड़ जाती है वाराणसी से आके आके। गुड, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, सिर्फ सिंपल सी बातें कर रहे हैं हम, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ लोकेशन आपको बताने के लिए है, ठीक है ना। ये जो मैप्स है ना, ये मैप वर्क जरूर कर लेना अच्छे से याद, ठीक है, खुद से भी डायग्राम बनाते हो कि ये सारे के सारे कौन से एरिया में आ रहे हैं, यूपी में आ रहे हैं सारे के सारे। आगे चलते हैं तो एक और रिवर है हमारे पास, अब याद रखिए दो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं अब, ठीक है। सबसे पहले जो मेन है उसकी बात करते हैं, गग्गर, गग्गर का नाम सुना होगा आपने, गग्गर, तो गग्गर सीधे से जब इंडिया में आती है उसको बोला जाता है गग्गर, ठीक है ना। जब ये नेपाल से स्टार्ट होती है महाभारता रेंज से, तो इसका नाम होता है कर्णाली, क्या नाम होता है इसका, कर्णाली। कर्णाली जब ये नीचे आती है और ये काठमांडू से नीचे आती है, नीचे वाले माउंटेन्स में आती है, तो इसका दो हिस्सों में चले जाती है, दो हिस्सों में बट जाती है, यू नीड नॉट टू रिमेम्बर देयर नेम बिकॉज दे आर इन नेपाल। इंडिया में
दोबारा ये जो इसकी दो ट्राइब्यूटरीज हैं वो जुड़ जाती हैं और ये एक रिवर बनाती हैं आगे जाके, जिसका नाम है कग्गर। इंडिया में इसको कग्गर बोला जाता है। इन नेपाल दे आर नोन एज कर्णाली, ठीक है। एक ये ट्रांसबाउंड्री रिवर होगी, एक दूसरी ट्रांसबाउंड्री रिवर आ रही है ऊपर से, याद रखिए, शारदा। शारदा रिवर को काली रिवर भी बोला जाता है, जो कि इंडिया और नेपाल की बाउंड्री से आती है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इज द पार्ट ऑफ विच 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 पार्ट पिथौरागढ़ कहाँ से है, कौन सी स्टेट लगती है वहां पे? गुड, उत्तराखंड। उत्तराखंड का कौन सा एरिया, कुमाऊं और गढ़वाल? गुड, कुमाऊं एरिया से। तो शारदा रिवर आ रही है जो बाउंड्री बना रही है, जब इंडिया में एंटर कर जाती है तो इसको शारदा बोला जाता है। एंड दिस रिवर पासिस थ्रू योर पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ओके, टाइगर रिजर्व के बाउंड्री से होके आती है ये और एंटर कर जाती है इंडिया में, जिसमें इसका नाम दिया जाता है शारदा। और शारदा जब ये मिलती है आके ऊपर से कग्गर से, वो जगह का नाम है बहरेच। बहरेच में दोनों जगह आके कॉन्फ्लुएंस होती है और उस जगह का नाम है बहरेच, ठीक है। इसके आगे फिर कौन सी जाएगी, कग्गर ही आगे जाती रहेगी, ठीक है, कग्गर ही आगे जाती रहेगी। गुड गाइस, अभी तक क्लियर है? यहां तक चले आगे, लेट मी क्लियर दिस फॉर यू। समय लग रहा है? सीबी सीबी सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं हम। करनाली ऊपर से आ रही है, करनाली दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, ये आपको नाम याद नहीं होने चाहिए, इट्स ओके। आगे जाके ये इंडिया में दोबारा जुड़ जाती है, उसका नाम हमने डाल दिया गग्गर, ठीक है। ऊपर से शारदा आ रही है, शारदा भी इसी में मिल रही है, जिसका जो कि ट्रांसबाउंड्री रिवर थी, ठीक है। और ये बहरेच में आके दोनों मिल जाती हैं, ठीक है। और बहरेच के आगे कैसे जाती हैं, ये देखो लिखा हुआ है, ये थोड़ा ब्लर सा हो गया आई थिंक, ठीक है ना। इफ यू सी क्लियरली यहाँ पे, दिस इज दिस वन वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, या दिस वन इज वी टॉकिंग अबाउट। तो ये वाराणसी के ऊपर जो है, लेट मी चेक इफ आई हैव दैट इमेज विद मी। ओके ओके, लेट मी, आई विल रिपीट इट गाइस, आई विल बी रिपीट इट, वेट वेट वेट। छपरा, ठीक है ना। तो ये छपरा के पास जाके, गाजीपुर और छपरा के पास जाके ये एंटर कर जाती है यहाँ पे, दिस इज यहाँ पे, ठीक है, गंगा के साथ में। नाउ लेट मी रिपीट इट, कुछ भी नहीं कि बोला। ये ऊपर से आ रही है, देखो तिब्बत से आ रही है, ये कर्णाली रिवर है। ये नेपाल में दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, दो ट्राइब्यूटरीज में, आपको उनका नाम नहीं पता होना चाहिए। इंडिया में दोबारा एंटर करते हुए दोनों फिर जुड़ जाती हैं और इसको नाम हमने दे दिया कग्गर, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट ट्रांसबाउंड्री रिवर कग्गर। अनदर इंपॉर्टेंट रिवर जो कि बाउंड्री बनाती है किसकी, उत्तराखंड की नेपाल के साथ, यहाँ पे काला पानी एरिया हमने पढ़ा था, काला पानी एरिया पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, ठीक है ना, जो कि अभी हमारा इंडिया का नेपाल के साथ वो हमने किया था ना, लिपु लेख, याद होगा आपको, ठीक है ना, कि मानसरोवर यात्रा इजी हो जाए तो हमने यहाँ पे रोड बना दिया था। तो वहां से काला पानी एरिया से ही रिवर गुजर रही है, उसका नाम है काली रिवर बोलते हैं नेपाल वाले, और हम इसको बोलते हैं शारदा रिवर। इतना ही याद होना चाहिए, शारदा रिवर। जब शारदा रिवर बहरेच एक जगह है यूपी में, ये दोनों जब यहाँ पे मिलती हैं तो ऊपर से दोनों मिल जाती हैं, शारदा रिवर एंड देन देयर इज ऊपर से कग्गर रिवर। तो बहरेच में मिलती हैं, फिर आगे इसी रोड से आगे जाती हैं, इसी मतलब जगह से आगे जाती हैं और फिर मिल जाती है गंगा में, सीधा सा गाजीपुर के अराउंड गंगा में ये मिल जाती है हमारे पास, ठीक है जी। डन डन डन, तो वी डिड टू ट्रांसबाउंड्री रिवर्स। गुड गाइस, दिख रहा है, देखो कग्गर आ रही गाजीपुर में, गंगा
गंगा के साथ मिल रही है, ये देखो ठीक है ऊपर से आई। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, एक बहरेश तो आपको पता चल गया ना कहाँ के, गग्गर के और शारदा के कॉन्फ्लुएंस पे, कॉन्फ्लुएंस पे जहां पे वो मिलती है वहां पे है। अयोध्या कहाँ पे है, ये एक क्वेश्चन आपको ट्रबल कर सकता है। इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट दे हैव रिटन सरयू, इफ यू चेक सरयू इट इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ शारदा रिवर, ठीक है शारदा रिवर की ट्राइब्यूटरी है, बट हमें देखा था कि शारदा रिवर तो पहले ही मिल जाती है ऊपर, ठीक है ना कक्कर के बहरेज के पास ही। अयोध्या में कई सोर्सेस बताते हैं कि ये आप पता नहीं किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट अगर आप टाइप करोगे अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर तो वो बोलेंगे सरयू, अगर आप सरयू को नेट में चेक करोगे तो दे आर सेइंग दैट इट इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ शारदा। तो फ्रेंकली आई हैव नॉट सीन अभी तक कोई अच्छा रिकमेंडेड टेक्स्ट, मैंने नहीं देखा जो इस चीज को क्लियर कर पाया हो, बट अगर पेपर पे आपको आता है तो सरयू ही बोलना है आपको, सरयू इज ऑन द बैंक ऑफ अयोध्या एंड इट इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ शारदा, ठीक है जी। आई एम राइट नाउ चेकिंग इट कि कौन सी ये सरयू कहाँ से ओरिजिन लेती है और कहाँ पे है, इट वॉज ए एंशंट रिवर, ठीक है ना, रामायण में इसका जिक्र मिलता है कि अयोध्या में भगवान राम सरयू के किनारे आए थे, ठीक है ना, तो उसमें जिक्र मिलता है इनका। लेट मी चेक कि ये सरयू कहाँ से ओरिजिन लेती है, देन आई विल बी बेटर एबल टू गाइड यू, ओके। तो अभी तेरे लिए ये इसको इसी तरह से रहने देना, अगर पेपर में पूछा जाता है तो ऑलवेज पिक सरयू नॉट कंगा, ओके। डन डन डन, वी हैव डन दिस आल्सो, ये देखो बारिश कर लिया, अयोध्या कर लिया, गंधक, अच्छा गंधक, गंधक या गंदगी बोलते हैं इसको, गंदगी काली गंदगी के नाम से जानी जाती है नेपाल में, नेपाल से ओरिजिन लेती है, ये भी एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है, ठीक है ना। तो विच आर द ट्रांसबाउंड्री रिवर स्टिल बी कंप्लीटेड टिल नाउ, शारदा, ठीक है, और क्या थी कग्गर, एंड व्हाट इज नाउ काली गंदक या गंदक, ठीक है। गंदक जो आपको याद रखना है ये बाउंड्री बनाती है बिटवीन इट इज अ ट्रांसबाउंड्री रिवर, इट इज आल्सो फाउंड बाउंड्री बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड बिहार के अपर रेंजेस में, ठीक है बिहार, और ये यहाँ पे मियांडर करती है, ठीक है ना, मियांडर करती है और फिर ये छपड़ा में जाके सीधा का सीधा मिल जाती है कहाँ पे, ये मिल जाती है आपको गंगा में मिल जाती है बिहार में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ यू शुड नो देयर इज एन नेशनल पार्क सिचुएटेड ऑन द बाउंड्री एरिया बिटवीन नेपाल एंड बिहार एंड इट इज द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार that is known as Valmiki National Park and Tiger Reserve, Valmiki National Park and Tiger Reserve, okay. Now if I say Valmiki National Park, ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सी river होके जाएगी, you should know it is Gandak not Kagar, ठीक है ना, it's Gandak river that is passing through this जो है national park, ठीक है ना। Now while doing national park, what kind of national park it is? Do you know guys? India Nepal के border पे है, ठीक है, गंदक इसको pass करती है, what kind of flora and fauna will you find here? सबसे पहले क्योंकि ये हिमालय है और ये तराई region में आएगा, तराई region में आता है, हमेशा याद रखिए ये तराई region है, ये सारे का सारा, this all is a तराई region, ठीक है ना। तो ये तराई रीजन में है, घास होएंगे वहां पे, कौन से मवेशी यहाँ पे पाए जाएंगे, फिर ग्रासलैंड एरिया होगा, तराई एरिया ग्रासलैंड एरिया होगा, ठीक है, और यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है तो टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर भी होएंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, ओके। तो हमने एपेक्स प्रेडेटर देख लिया, हमने देखा कि यहाँ पे मवेशी भी होंगे, कौन कौन से हो सकते हैं आपने बताना होना, तो बफेलोज हो सकती हैं, वाइल्ड बोर्स हो सकते हैं,
इंडियन राइनोसिरोस यहाँ पे होता है, क्योंकि ये ग्रासलैंड है तो घास भी होगा, तो घास को एलिफेंट ग्रास को खाने के लिए ये वन हॉर्न राइनोसोरस यहाँ पे भी आएगा, ब्लैक बियर भी आएगा, इंडियन स्लॉथ बियर भी आएगा, नॉर्मल इंडियन जो आपका लेपर्ड होता है इंडियन लेपर्ड वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गुड 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 अप टिल नाउ। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, इंडियन गौर का भी ये घर है। इंडियन गौर बुफेलो होता है ना, ये बुफेलो होती है लेकिन ये इंडिया की बहुत भारी भरकम इंडिजिनस जो है, जो कि अभी तक डोमेस्टिकेटेड नहीं की गई, इंडियन गौर बोला जाता है। इसका नाम था, लेट मी चेक क्या नाम था इसका, भैंसा, भैंसा आप बोलते हो ना हिंदी में भैंसा। तो ये जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ना, इसका जो आप एक्चुअल में नाम देखते हो तो वो है भैंसा लोटन। वैसा वहां पे लोकल लोग उसको वैसा लोटन बोलते थे। मार्शी एरिया था, टेराई रीजन का था एरिया, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे लेटने बड़े आते थे, तो ऐसा याद रख लो वैसा लोटन, ठीक है ना। तो वैसे को इंडिया में बोला जाता है गौर, इंडियन गौर, इंडियन GAUR गौर। तो इट इज ए एंडेमिक स्पीसीज हियर, ओके गुर। ठीक है, सच में है, नेट पे चेक कर लो भाई, मैं नहीं बोल रहा ऐसे अपने आपस में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये सच में है, नेट पे अवेलेबल है, यू कैन चेक इट ओवर देयर। ओके, पैसा लूटना बोला जाता है इसको। ओके व्हाट एल्स, और कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पे आ सकती हैं? यू शुड नो देयर IUCN स्टेटस इज वल्नरेबल। ओके, वल्नरेबल है ये, IUCN स्टेटस पता होना चाहिए। सांबर भी यहाँ पे होते हैं, बार्किंग डियर भी यहाँ पे होते हैं, हॉक डियर यहाँ पे होते हैं, सांबर होते हैं, वाइल्ड डॉग्स होते हैं, ढोले, DHOLA। डू वी फाइंड ढोले हियर? इट्स ए इंडियन वाइल्ड डॉग। ओके, क्या होता है, डू चेक इट, ठीक है, और मेरे को बताना कि ये यहाँ पे पाए जाते हैं कि नहीं। ओके, डन डन बिहार डन। ओके व्हाट एल्स, तो दिस इज बिहार, और आगे चलते हैं फिर हम, फिर हम एक बार रिव्यू करेंगे सारा कुछ, ठीक है, अभी के लिए देखते रहो। और लास्ट में हमारे पास आती है गंधक, डिड ना गंधक पढ़ लिया था ना हमने गंधक, गंधक उसके बाद आती है हमारे पास गंधक कोसी या सप्त कोसी, कोसी, ठीक है, बिहार में इसको कोसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और नेपाल में इसको सप्त कोसी के नाम से जाता है। सप्त कोसी, सप्त मतलब सात कोसी, कोसी की सात रिवर ट्राइब्यूटरीज है। यू नीड नॉट टू रिमेम्बर ऑल दैट, ठीक है ना, जस्ट एक याद कर लो, अरुण, अरुण इज द मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर कोसी, दैट इज इन नेपाल। ओके, जैसे ही ये दे एंटर दिस एरिया, इंडिया में एंटर करती हैं, ठीक है ना, तो वैसे तो इसका स्ट्रेट कोर्स है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेडियंट एकदम से लूज हो जाता है। दिस इज तराई एरिया, एंड तराई एरिया के बाद आपको पता है कि जो प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे डेपोजिशनल वर्क करती है, इसके कारण इसका कोर्स कई बार शिफ्ट हो चुका है। पहले यहाँ पे थी, अब ये यहाँ पे आई है, 110 किलोमीटर का कोर्स शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सोरो ऑफ बिहार। वाई? बिकॉज यहाँ पे इट इज हाईली फ्लड प्रोन, क्योंकि अगर यहाँ पे बारिश भी हो जाती है नेपाल में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, डन डन डन। नाउ यहाँ पे देख रहे हो कुर्साला, कुर्साला एक एरिया है जहां पे ये एंटर करती है, दिस क्या कहते हैं, गंगा में एंटर करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इसकी ईस्ट मोस्ट जो ट्राइब्यूटरी है, दैट इज महानंदा, वो ऊपर से आती है और यहाँ पे एंटर करती है बस, ठीक है जी। महानंदा ये इंडियन रिवर है, ठीक है जी, इंडियन रिवर है, महानंदा आती है और ये एंटर करती है आपके राजमहल हिल से पहले पहले, ठीक है जी, डन। इसके बाद पहले इसके साथ में तीस्ता रिवर भी आती थी, लेकिन अब वो सिक्किम से सीधा सीधा ब्रह्मपुत्र में चले जाती है, क्योंकि उसका कोर्स शिफ्ट हो चुका, पहले वो गंगा में आती थी। दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2018 एग्जाम ऑफ UPSC। ओके,
गुड अप टिल नाउ, ठीक है? नाउ लेट मी फॉर्म ए डायग्राम फॉर यू गाइस, ओके? तो आप हम चलो डायग्राम बनाते हैं सारे के सारा. सो इफ दिस इज द कोर्स ऑफ गंगा, ओहो, दिस इज द कोर्स ऑफ गंगा, ठीक है? सबसे पहले कौन सी ट्राइब्यूटरी आएगी? यू नीड नॉट, ऊपर वाला रहने दो, अलकनंदा वो सारा कुछ आपको पता ही होना चाहिए. अब वी हैव डिस्कस्ड इट फेयरली कंप्लीटली ओवर देयर. सबसे ऊपर कौन सी आती है? जल्दी जल्दी बोलिए, सबसे पहले कौन सी पड़ी थी? रामगंगा ना. रामगंगा कहाँ मिलती है? गंगा में जाके कौन से एरिया में? जल्दी जल्दी बताइए. बड़े पढ़ा नहीं था. लेट मी शो यू. बिफोर कानपुर, ये देखो मुरादाबाद आता है यहाँ पे. फिर हमने बरेली पढ़ा था इसके अराउंड, और फिर हमने पढ़ा था कानपुर से पहले. यस, वेरी गुड, बिफोर कानपुर, ओके गुड. तो बिफोर कानपुर, यहाँ पे कानपुर है सपोज, तो कानपुर से पहले ये मिट जाती है सपोज, नॉट हियर बट हियर समवेयर कानपुर है, इसके पहले ये मिल जाती है रामगंगा. उसके बाद कौन सी आती है? एक और इंडियन रिवर आती है, कौन सी है वो? एक और इंडियन रिवर आती है जो इंडिया से ही रिजिनेट करती है, गोमती. वेरी गुड. कहाँ से आती है वो? पीलीभीत, देखा था हमने बॉर्डर एरिया पे, याद है? उसके बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होती थी, ठीक है ना, गोमती रिवर. इसके अराउंड कौन सा इंपॉर्टेंट सिटी था यहाँ पे जो आपको याद होना चाहिए था, मैंने बोला था? लखनऊ. वेरी गुड. आफ्टर लखनऊ व्हाट इज इट? उसके बाद ये किसको क्रॉस करती थी? सुल्तानपुर, फिर जौनपुर, ठीक है? इसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती थी, है ना, जिसका नाम क्या था बताइए, जो यहां से आकर जुड़ती थी, साई, जिसको आदि आदि गंगा भी बोला जाता है. और फिर ये एंटर करती है आपकी गंगा में, ठीक है जी? उसके बाद कौन सी रिवर आती थी? दो रिवर आती थी हमारे पास, ट्रांस माउंटेन रिवर, ऊपर से आ रही है शारदा, जो कि इंडिया और नेपाल की बाउंड्री बना रही है, एंड नीचे से आ रही है, इधर से आ रही है कग्गर. हम कग्गर से याद करेंगे, कग्गर आ रही है, दोनों जुड़ जाते हैं. कहाँ पे जुड़ते हैं बताइए, उस एरिया का क्या नाम है? जहां दोनों जुड़ते हैं उनका क्या नाम है? बारेज. बारेज, वेरी गुड. तो ये दोनों जुड़ते हैं, यहाँ पे एरिया है बारेज. तो बारेज में जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, इसके अराउंड एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लोकेशन आती है, अयोध्या. अब यहाँ पे याद रखो, सारयू, सारयू रिवर के अराउंड अयोध्या है. वी विल चेक इट प्रॉपरली, बट ये फिर आगे जाके आपकी कहां पे जुड़ जाती है? गंगा में चले जाती है, ठीक है ना, डन. गाजीपुर में वाराणसी से पहले चले जाती है, ठीक है जी. अब जो आती है नेक्स्ट हमारे पास, वो आती है कौन सी रिवर? गाजी कक्कर के बाद, ठीक है, कक्कर के बाद आती है या गंदक. गंदक, गंदक ऊपर से आ रही है गंदक, ठीक है ना. तो गंदक जो आ रही है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बॉर्डर बनाती है किसका? यूपी और बिहार का. और बहुत ज्यादा डेपोजिशन वर्क करती है, मियांड्रिक फॉर्मेशन करती है, दैट इज अ कॉमन फीचर. और क्या फायदा है इसका, और क्या है, क्या और क्या इंपॉर्टेंट बात है गंदक की? यहाँ पे कोई नेशनल पार्क भी है, अभी हमने बात की थी, कौन सा नेशनल पार्क है? वेरी गुड, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वन एंड द ओनली नेशनल पार्क एंड टाइगर स्फीयर रिजर्व इन इन बिहार, ओके. बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे है, ओके. तो यहाँ पे कौन सी तराई रीजन में है, ग्रासलैंड्स है, और आपको डू यू फाइंड स्नो लेपर्ड हियर या क्लाउडेड लेपर्ड हियर? यू विल नॉट फाइंड दैट बिकॉज इट इज इन तराई रीजन, तो लैंडस्केप चेंज हो जाएगा,
वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे बेचारे, ठीक है ना? तो डू कीप दीज थिंग्स इन माइंड. इसके बाद कौन सी आती है? वी डिड दैट वन मोर रिवर, कोसी द सोर ऑफ बिहार, ठीक है ना? एंड लास्ट जो मोस्ट ईस्ट मोस्ट माउंट्री इज महानंदा, इट इज अगेन प्योरली इंडियन रिवर. ओके, महानंदा. तो दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा. गॉट इट? कोई शक यहाँ पे? लेट मी चेक इफ आई हैव सम मोर स्लाइड्स ओवर हियर. वी डिड दैट 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 एंड वी डिड दैट. ओके, वी डिड दैट. ओके, सो नाउ टेक अ लुक एट दिस. ओके, दीज आर द राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा अप टिल हियर. दीज आर द राइट बैंक ट्राइब्यूटरी, राइट साइड से आती है. इसके नीचे रामगंगा, कग्गर, काली रिवर, गंधक, बूढ़ी गंधक, कोसी, दे आल आदि. ये जो सात मैंने बोला था ना, तुमार, अरुण, सनकोसी, ठीक है ना? ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो अरुण जो है एक मेजर ट्राइब्यूटरी है कोसी की, ठीक है? ये बूढ़ी गंधक की भी गंधक में ही मिल जाती है आगे जाके, तो यू नीड नॉट टू रिमेम्बर दैट मच. काली रिवर विद डेटा, शारदा रिवर जिसको बोला जाता है, गग्गर रिवर, ठीक है? इनके जो वो देख लेना एक बार, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ठीक है? मानसरोवर तिब्बत से गग्गर करती है. We did ना, ये कहाँ पे करती है? विंध्यन रेंज से, महाओ हिल से, जनापाओ हिल से, ठीक है ना? मध्य प्रदेश में विंध्यन रेंज है, वहां से चंबल करती है. ओके, सन को हमें पता अमरकंतक प्लेट्यू से करती है, याद है रेडियल ड्रेनेज पढ़ा था हमने. दामोदर का भी हमें पता छोटा नागपुर प्लेट्यू रेडियल ड्रेनेज है, वहां से करती है. कैन और बाट बेटवा, दे आर बेसिकली योर बुंदेलखंड एरिया, याद है हमने बुंदेलखंड एरिया पढ़ा था, उस एरिया को ये सप्लाई करती हैं दोनों. बनास जो है वो राजस्थान में बेसिकली अरावली रेंज से आती है एंड इट इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ चंबल. ओके, गुड गुड गुड. नाउ बिफोर वी मूव फर्दर लेट मी चेक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी इज वन ऑफ अ मेजर इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी राइट बैंक इज यमुना, ठीक है ना? यमुना जो है वो एक मेजर राइट बैंक. नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस मैप. ऊपर एक गंगा आ गई, ये शारदा आ गई, ये गग्गर आ गई, ठीक है? ये गोमती नीचे से आ रही है, गोमती ताल से होती हुई पीलीभीत एरिया से, ठीक है? वन इंपॉर्टेंट थिंग वी लेफ्ट बिफोर हैंड इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. वेट 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 वेट. गोमती, हाँ देखो, ये जो कग्गर रिवर है ना, ये शारदा रिवर के साथ मिल जाती है, आपको पता है हमने ये बात कही थी पहले भी, ठीक है ना? लेकिन इसकी एक और ट्राइब्यूटरी आती है, ठीक है ना, नेपाल से ही आती है, उसका नाम है राप्ती रिवर, राप्ती, ठीक है ना, RAPTI, राप्ती रिवर, जो कि बाद में मिल जाती है कग्गर में. तो राप्ती अगर कभी पूछा जाता है तो राप्ती इज अगेन अ ट्राइब्यूटरी ऑफ कग्गर रिवर. कग्गर बहुत बड़ी रिवर है, ठीक है ना? मोस्टली तो यही बोला जाता है कि अयोध्या और फैजाबाद जो है दे आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कग्गर. पर अगर आप सर्च मारोगे और CWC की वेबसाइट पे देखोगे, वो सरायू रिवर के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है ना? तो दैट इज ए कॉन्ट्रोवर्शियल, लेट मी चेक अपॉन दैट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज आई थिंक क्लियर नाउ, ठीक है? ये आपको समय लगना चाहिए. ये जो काली गंधक है या गंधकी है ना, गंधक आपको आती है पटना के पास में जाके ज्वाइन होती है गंगा के साथ में, ठीक है? लग की समझ. ओके, नाउ व्हाट आर द मेजर यू नो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, राइट साइड से कौन कौन सी आ रही है? तो चंबल आ रही है बताया, बनास आ रही है, चंबल आ रही है, बेटवा, केन, ठीक है, दसन, ठीक है, ये सारी की सारी रिवर्स जो आ रही हैं ये आपकी राइट साइड से आ रही है, ठीक है जी? डन. लेट मी चेक.
ठीक है, चलो जी, लेट अस स्टार्ट दैट। ओके, ये चेक कर लो एक बार ये सारी। हाँ, तो ये देखो, आप देख पा रहे हो, लेट अस डू नाउ राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा सिस्टम। सबसे पहले यमुना की ही बात कर लेते हैं। तो यमुना को पता ही आपको कि ये स्टार्ट हो रही है। लेट मी शो इफ आई हैव दैट स्लाइड। यस, दिस इज द स्लाइड। यमुनोत्री से स्टार्ट होती है। कहाँ पे है ये? उत्तरांचल में है यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, ये नीचे को आ रही है। ये कहाँ पे होके आ रही है? पौंटा सैब हो रही है, वेर विच इज, सॉरी सॉरी सॉरी, आई डिडेंट। अब देखो, अब ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होके आ रही है। एवरीवन, आर यू सीइंग दिस गाइस? दिख रहा है? गुड। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से होके आ रही है नीचे को, ठीक है। विच इज दिस स्टेट? दिस इज उत्तराखंड। उत्तराखंड, और उसके बाद आपको देखना होगा ये कि हिमाचल के बॉर्डर पे एक एरिया है, ट्राई जंक्शनल एरिया है। अगर आप देखो पौंटा साहब, तो पौंटा साहब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ऊपर आपको उत्तराखंड लग रहा है, और नीचे आपको कौन सा आ रहा है? यूपी आ रहा है, ठीक है ना? ठीक है, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको बोलते हैं सिंबल बाड़ा। याद है हमने सिंबल बाड़ा के बारे में पढ़ा था? ये भी हिमाचल प्रदेश में आता था। और ये कौन सी रिवर यहाँ से पास करती थी? यमुना। डन डन डन। तो यमुना यहाँ से होके नीचे को जा रही है, गुड। और ये देखो आप ध्यान से, यहाँ पे देखो ये कौन सी जगह है? ये ट्राई जंक्शनल एरिया, दिस इज योर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली को पार करते हुए पाला विलेज है, वहां से फिर हरियाणा के बॉर्डर, यूपी बॉर्डर से होता हुआ ये नीचे को आ रहा है, और आपको यहाँ पे मथुरा देखने को मिल रहा होगा। मथुरा, आगरा, ताजरा महल, इटावा, ठीक है ना? ये देखने को मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट सिटीज। एवरीवन, यू आर सीइंग दिस? सबको दिख रहा है? बताइए। गुड। तो ये ध्यान रखो, मथुरा, आगरा, ताजमहल, इटावा, ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर, ठीक है ना? नीचे से आ रही है एक इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी, इसका नाम है चंबल, ठीक है? चंबल यहाँ से आ रही है, और यहाँ पे इसको कहाँ पे ज्वाइन कर रही है? इटावा रीजन। इटावा रीजन में यमुना चंबल के साथ मिल जा रही है, ठीक है ना? ओके, अभी हम चंबल की भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ लो कि आगे आगे कौन कौन सी है। फिर इसकी एक नीचे से अगर आप देखो, ये मध्य प्रदेश है, दिस इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ऊपर से आ रही है सिंध, जो कि इसके अंदर जुड़ रही है। फिर अगर आप बेटवा की बात कर रहे हो, तो यहाँ से आ रही है बेटवा, ठीक है ना? जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे क्या कहते हैं, दिस यूपी में, वहां पे मिल रही है। नीचे से केन आ रही है, KEN, केन, जो कि जिल्ला में मिल रही है यमुना के बाद। और बाद में, सबसे बाद लास्ट में क्या आता है? प्रयागराज। प्रयागराज इज द मॉडर्न नेम फॉर अलाहाबाद। गुड। और लेट मी अगेन रिपीट दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है ना? याद है, लेट मी ड्रॉ समथिंग फॉर यू गाइस, ताकि आपको याद रहे कि हमने इतनी मेहनत की थी इनको बनाने में। यहाँ पे है अरावली, एवरीबडी पता ना ये अरावली है। व्हाट इज दिस? यहाँ पे सतपुरा और विंध्यन, दिस इज विंध्यन रेंज। यहाँ पे क्या है? सतपुरा रेंजेस, ठीक है ना? तो हमने बात कही थी कि यहाँ पे है पर्टिकुलर मेवाड़ अपलैंड, या जिसको आपने मेवाड़ प्लेटी भी बोला था, ठीक है? याद है ये वाला एरिया हमने बोल दिया था मालवा एरिया, ठीक है? मालवा एरिया को मैंने आपको बोला था चंबल ट्रेन करती है, चंबल और सिंध, है ना? नाउ अनदर एरिया जो हमने यहाँ पे बोला था, हमेशा याद रखिए, दिस एरिया पर्टिकुलरली मैंने बोला था 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं यहाँ पे बुंदेलखंड एरिया में। कैसी टोपोग्राफी हमने बोली थी? रोलिंग प्लेन बोले थे ना, और यहाँ पे गली इरोजन बहुत होती है। याद है हमने बोला था गली इरोजन बहुत होती है यहाँ पे। एवरीवन, आर यू विद मी गाइस? एवरीवन बताइए, ठीक है ना? तो हमने बोला था कि वहां पे गली इरोजन बहुत होती है, तो कौन सी रिवर यहाँ पे आएगी? सिंध, बेटवा और केन, ठीक है ना? तीन रिवर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब बात आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए कि दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में दो नॉन डिस्ट्रिक्ट्स थे, पांच आई थिंक इस बार इन उत्तर प्रदेश एंड चार शायद मध्य प्रदेश में थे, जिंद हो गया ठीक है ना, हमीरपुर वाला ये वाला एरिया हो गया। तो ये जो एरिया था पर्टिकुलरली टू स्टेट्स एरिया थे, तो एक ना इंटरलिंक किया करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे, इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर। अभी मार्च की न्यूज है कि इस प्रस्ताव को दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स ने मान लिया है। केन अगर आप देखते हो, केन में बहुत पानी आता है और बेटवा में इतना पानी नहीं होता है, तो एक चैनल का खोला गया है, एक कैनाल बनाया जा रहा है जिसका नाम रखा है हमने केन बेटवा लिंकेज, ठीक है जी, केन बेटवा लिंकेज। तो ये अभी 2000 मार्च 2021 की न्यूज है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका एम्फोसिस क्या है, टू मेक बुंदेलखंड एरिया में पानी की किल्लत को दूर किया जा सके, बोथ फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पसेस। ठीक है जी, डन गाइस, लगी समझ? पढ़ने का फायदा है, जो हमने पढ़ा था प्लेट्यू प्लूटू पढ़े थे उतना सब कुछ पढ़ने का फायदा आ रहा है आप समझ? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन कौन सी, चंबल, सिंध, बेटवा, कैन, ठीक है ना? ठीक है गॉयस, ओके, चंबल, सिंध, बेटवा, कैन, ठीक है जी, ओके। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे मैं आपको साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। लेट मी, कई बार पूछा जाता है कि चंबल की कौन कौन सी आपके पास वो होती हैं, ट्राइब्यूटरीज होती हैं, एंड आधा काम मैं कर रहा हूँ, आधा काम आपको बना के दे रहा हूँ करने के लिए। आपको राइट और लेफ्ट बैंक खुद ढूंढना है, मैं आपको सिंपल सा बना देता हूं, एक निमोनिक, शिप्रा, ठीक है, शिप्रा, बनाम, आपने देखा बनाम क्या होता है, वर्सेस, मतलब वर्सेस, शिप्रा वर्सेस या बनाम पार्वती, ठीक है, कोई दो सपोज रेसलर थे शिप्रा और पार्वती, उनका जो मैच है, का शी में होगा, काशी जगह है ना, सुना होगा काशी, तो मैंने का अलग कर दिया, शी अलग कर दिया, का से आपको याद रखो काली, शी से याद रखो सिंध, ठीक है जी, काली सिंध, शिप्रा बनाम से याद रखो BANAS बनास, पार्वती से पार्वती रिवर है, हमने पहले भी की थी, दैट इज ए मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर चंबल, ठीक है, काली सिंध, ये चार रिवर्स आपको याद करनी है। अभी आपका काम है कि कौन सी राइट रिवर, राइट बैंक है, कौन सी लेफ्ट बैंक है, ढूंढो। एक और भी रिवर आती है गंभीर, गंभीर मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, तो काशी या ऐसा लिख लो, शिप्रा बनाम पार्वती, शिप्रा बनाम पार्वती का गंभीर मैच काशी में होगा, गंभीर मैच, ठीक है ना? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज ए प्राइम डोमिनेंटली इट्स लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी जो राजस्थान से होके गुजरती है, ठीक है जी, राजस्थान से होके गुजरती है ये, एंड इट, व्हाई यू शुड नो अबाउट दिस, बिकॉज इट पासिस थ्रू विच नेशनल पार्क, बताइए बताइए कौन सा नेशनल पार्क इसके बीच में से आता है? केवलाडियो नेशनल पार्क, नॉट बनास, केवलाडियो नेशनल पार्क, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, एंड मैंने एक याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका याद कर ही लेना तो मच बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है? अब देखो ये ना कॉन्फ्लुएंस पे आ रहे हैं सारे के, कॉन्फ्लुएंस समझ रहे हो ना, दोआब एरिया, एक यहाँ पे रिवर आ रही है, एक यहाँ से रिवर आ रही है, दोनों के मेल पे यहाँ पे आपका नेशनल पार्क होगा,
यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था. नेशनल पार्क भी थे, दे आर फाउंड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स, ये याद रखना है, ठीक है ना. तो मैं आपको करवा रहा हूँ एक लाइन, पहले वो लाइन लिख लेते हैं ताकि आपको ये याद करना आसान हो जाए. लिखो मेरे साथ में, रूपा इन साड़ी, साड़ी तो समझ लो ना, साड़ी जो पहन के आते हैं ना, रूपा इन साड़ी, ठीक है, एक रैन टुवार्ड्स, रैन टुवार्ड्स चंदा, ठीक है, रेस्टोरेंट अंदर, विद बैंगल्स इन हर हैंड. अभी लिख लो, मैं बता रहा हूं, अभी मैं लिख लो, मैं बता रहा हूं. बट बैंगड इनटू गंभीर, गंभीर वो अपना नेशनल क्रिकेटर नहीं था, क्रिकेट वाला, सोचो उसी में जाके ठाके. तो रूपा इन साड़ी ran towards चंदा with his bangles in his hand, in her hand या wrist, ऐसा कुछ भी लिख लो, but banged into गंभीर. गुड गुड अप टिल नाउ. Now, why you need to learn this is because number one लिखो यहाँ पे, दरा number one यहाँ पे लिखो, number यहाँ पे लिखो सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क आपको पता होगा राजस्थान में है. सरिस्का नेशनल पार्क में रूपा रेल रिवर आती है. कौन सी रिवर आती है? रूपा रेल, लिख लो साथ में, रूपा रेल. तो ये समय लग गया, रूपा इन साड़ी, सरिस्का में रूपा आएगी, रूपा रेल. गुड, फर्स्ट थिंग क्लियर होगी. सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट इज योर, अप टिल नाउ यहां तक क्लियर है? ओके, रैन टुवार्ड्स चंदा, ठीक है ना, रैन टुवार्ड्स, रैन से रणथंभौर लिख सकते हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क, आपको पता होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है लायन की पॉपुलेशंस के लिए, है ना. रणथंभौर में दो कौन सी रिवर है जिसकी कॉन्फ्लुएंस पे रणथंभौर है, याद रखिए, ऊपर से आ रही है चंबल रिवर, सुना था ना हमने अभी, हमने तो चंबल रिवर ऊपर से आ रही है, ठीक है, और नीचे से आ रही है बनास. अब बैंगल्स लिखा हुआ ना, रैन टुवार्ड्स चंदा विद बैंगल्स, बैंगल से बनास लिख लो, ठीक है, गुड गुड. तो चंबल और बनास में क्या आ जाता है? रणथंभौर. यहां तक क्लियर है बेटा? बताओ, फिर आगे चले. Everyone, good. We will repeat once more. Okay, don't worry. Third, likho. Keoladio National Park. Keoladio Ghana National Park, hai na? Keoladio Ghana National Park. Keoladio Ghana National Park. ठीक है? Keoladio Ghana National Park. ठीक है? ये बट से याद रखो, ठीक है ना, ये बैंगड आ गया ना, इनटू गंभीर, गंभीर और बैन गंगा, BANG, बैंग लिखे ना, बैन गंगा. लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे लिखा हुआ ना बैन गंगा, ठीक है ना. तो बैन गंगा और गंभीर के पास में आ रहा है, गंभीर रिवर है, उनके पास से क्या गुजर रहा है? केवलाडियो नेशनल पार्क उसी के बीच में है, ठीक है ना.
ठीक है यहां तक? ओके तो तीन आपके पास हो गए। ठीक है, एक आप खुद इसमें ऐड कर लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी में बनाया मैंने। दरा नेशनल पार्क, दरा नेशनल पार्क जो है वो भी चंबल के रिवर के, चंबल रिवर के पास ही है। ठीक है, दरा नेशनल पार्क वो भी चंबल के पास ही है। ठीक है, बाउंड्री ऑफ चंबल, दरा नेशनल पार्क इन राजस्थान। ओके, व्हाट शुड आई रिपीट कोमल? आई विल रिपीट वंस अगेन। ओके, आई विल रिपीट ओनली। सबसे पहले रूपा इन साड़ी, इसका मतलब सरिस्का जो है वो कहाँ पे है? रूपा रेल रिवर है एक, उसकी किनारे पे है, उसके अंदर से होके गुजरता है मतलब। ठीक है, रूपा रेल रिवर के किनारे पे यह है, कौन सा है? सरिस्का। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है सरिस्का नेशनल पार्क रूपा रेल। ठीक है, रैन टुवर्ड्स चंदा विद बैंगल्स इन हर हैंड। ठीक है, रैन से रणथंबोर, चंदा से चंबा, सॉरी चंबल, एंड बंगाल से आपको याद रखना है बनास। गुड, तो रणथंबोर नेशनल पार्क। क्योलाडियो घाना नेशनल पार्क, ठीक है, क्योलाडियो घाना नेशनल पार्क। यहाँ पे आप खुद ढूंढ लेना यार कुछ, ठीक है ना, क्योलाडियो के का कोई वर्ड डाल देना। ठीक है ना, ठीक है, किंक्ट डाल देना, किंक्ट, मैंने किंक भी डाल सकते थे, किंक्ट डाल दो या कुछ डाल दो, किंक्ट। बैंगड इनटू गंभीर, ठीक है ना, बैंगड इनटू गंभीर का मतलब होता है, बी बैंग से मतलब याद रखना है बैन गंगा, गंभीर से याद रखना है गंभीर रिवर, जो क्रिकेटर भी है, ठीक है ना, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे है क्योलाड़ियो घाना नेशनल पार्क। ठीक है, क्योलाडियो, KKEOLEOTH, DEO, क्योलाडियो घाना नेशनल पार्क। डन डन डन, ठीक है, कुछ भी बना लो यार, दैट इज योर, मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना मेन एम था, ताकि आपको याद रहे। आप किसी भी तरीके से, अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हो, ताकि आपको याद रखना आसान रखे। ठीक है, ओके, अप टिल नाउ क्लियर? अप टिल नाउ तो वी हैव डन ऑल द मेजर ट्राइब्यूटरीज दैट आर, ये सारी रिवर्स जो आज हमने पढ़ी है, यू नीड टू फाइंड इट ऑन द योर एटलस। ठीक है जी, ओके, एटलस पे ढूंढ के आपने ये सारा कुछ करना है। लेट अस रिवाइज सम ऑफ देम, इतनी तो हमने कर ली है, सारी तो कर ली ने। विच इज इन गोविंद पशु विहार, कौन सी रिवर गुजरती है यहाँ से? गोविंद पशु विहार पहले आपको पता होना चाहिए है कहाँ पे। इज इट इन हिमाचल प्रदेश और इट इज इन उत्तराखंड? गुड गाइस, ठीक है ना, टॉन्स, गुड, टॉन्स यहां से होके गुजरती है। टॉन्स इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, यू शुड नो ना, यमुना, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक है, व्हाट एल्स? गंडक रिवर की बाउंड्री पे कौन सा नेशनल पार्क है? जल्दी बताइए जल्दी, गंडक रिवर में। गंडक रिवर, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ग्रेट। इफ आई से पुष्पावती रिवर पासिस थ्रू विच नेशनल पार्क? पुष्पावती, गुड, नंदा देवी, नंदा देवी में कौन सा है? ऋषि गंगा, ग्रेट। नाउ वी हैव डन बेसिकली ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तो वो मैंने आपको करवा दिया है ना। नाउ लेट अस डू वन थिंग मोर,
लेट अस डू यमुना, यमुना हम कर रहे थे, हमने इसका कोर्स पढ़ा था. नाउ लेट अस डू इट्स राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी. जब ये राइट बैंक और लेफ्ट बैंक आपने करना ना, लिखना आपने नोट्स में, हमेशा एक राइट को या लेफ्ट को, एक को रेड कलर दे देना, ठीक है ना? ठीक, जो भी आप करना चाहते हो, जैसे भी आपको लगता है, ठीक है ना? लेफ्ट को डिफरेंट कलर से करना है, ऐसे करके लेफ्ट, ठीक है? ताकि जब आप रिवाइज करोगे ना, आपने नोट्स बनाने हैं, जब भी आपने ये फ्लो डायग्राम बनाना है, तो उसको उसी नंबर से लिखना है जिस तरह से आपने लिखा हुआ है, ठीक है ना? जो अगर लेफ्ट वाला अगर आपने ग्रीन से लिखा या ब्लू से लिखा, तो इसको इसी से लिखना है, ताकि जब आप रोज रिमेंबर करोगे, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड हियर एंड हियर. ग्रेट. नाउ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, लेट अस राइट फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है हमारे पास. सबसे पहले है किरण, के ए आर ई एन, के है के ए आर ई एन, किरण. फिर है हिंदौन, हिंदौन. दीज आर आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना. ओके, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. फिर है शंका, शंगेर, शंगेर. टू फाइंड दीज यू नो ऑन द ऑन योर एटलस, रिंद. और लास्ट में है टॉन्स. टॉन्स हमने पढ़ा था ना, टी ओ एन एस, जो कि वहां से होके भी गुजरती है, ठीक है ना? गुड. गोविंद पशु बिहार, वाल्मीकि गोविंद बिहार पशु, गोविंद पशु बिहार, सॉरी, नेशनल पार्क है ना. तो इसको याद कैसे करना, कर्ण वो समझा था ना, कर्ण, कर्ण औजला लाल ना, कोई भी डाल लो, कर्ण वो जो कर्ण और अर्जुन वाला लगा लो, करण हिरन, हिंदौन को मैंने हिरन लिख दिया, साथ लिख दिया, रिंद को जिंद लिख सकता हूँ, ठीक है ना, रिंद को जिंद लिख सकता हूँ, जे आई एन डी, ताकि कोई टाइमिंग बन जाए. टोंग को टांगे से, टांगे से, है ना? इसको आपने याद कैसे करना, करण हिरन के साथ जींद गया टांगे से, ठीक है ना? यू कैन रिमेम्बर इट दैट वे. इट्स ओनली वे, आप कुछ भी बना सकते हो जो आपको इजी लगता है, जो मेरे को जल्दी जल्दी सूझा मैंने बना दिया. यू कैन राइट योर वे एज वेल. ओके गाइस, करण हिरन साथ में जींद गया टांगे से. ठीक है, That is on you कि किस तरह से आप बनाते हो उसका. These are our left bank tributaries. What are right bank tributaries? Good, easy. अगर आप ऐसे मालोगे ना, तो रिवाइज करना बहुत इजी रहेगा. बस आपका एक काम करना, घर जाके हिरन आ गया यार, लॉजिक थोड़ा बनना चाहिए उसका. कोई मैंने पहले बोला था, ridiculous thinking याद रखो, जो मैंने पहले क्लास ली थी, तो it should make meaning to you. दूसरे बंदे को कोई पता नहीं लगना चाहिए आपने क्या बनाया, है ना? चलिए नेक्स्ट लिखो, यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी. आज हम पढ़ के आए हैं वैसे सारी की सारी, कौन कौन सी हैं बताइए. आज हमने पढ़ा है यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चंबल सबसे ऊपर. जो भी आप कुछ बना लिए, गुड. चंबल नंबर एक, चंबल इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि राइट हैंड से आगे जुड़ती है यमुना में, ठीक है. यमुना के बाद आता है सिंध, सिंध, केन, बेटवा, बेटवा, फिर केन, बीच में दसन भी आती है, एक्चुअली दैट इज अ ट्रिब्यूटरी, बीच में ही मिल जाती है वो केन के. यू नीड नॉट टू रिमेम्बर दैट. ओके, तो आपने इसको कैसे याद रखना है, बताइए किस तरह से याद रखते हैं. द वे आई रिमेम्बर्ड इज आ
चमन सिंह बेटा केम सो, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा हरमन, दैट्स ग्रेट। चल सीधे से बिटवा केन खाने, केन नहीं होता सी ए यानी केन, शुगर केन खाने, तो मैंने ये बनाया था, आप कुछ और भी बना सकते हो। चमन बेटा गेम शो, दैट्स वेरी ग्रेट। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप बना सकते हो। टू रिमेम्बर दीज रिवर्स, ओके, राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज, सो दीज आर इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना, ओके। चंबल की आपको मैंने करवा दिया, ठीक है ना। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग, अब ये सब कुछ ढूंढना है, अब आपका होमवर्क देख लो क्या क्या है जो मैंने पहले बताया वो भी, प्लस यू नीड टू फाइंड दीज ऑल ऑन द एटलस, ट्राई टू कोरिलेट इट द प्लेट्यूज, जो हमने प्लेट्यूज पढ़े थे उसके साथ कोरिलेट करना है आपने, ठीक है। और एक चीज आपने करनी है, इनके ऊपर डैम्स जितने भी हैं या कोई इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, उनके बारे में आपने पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कुछ नहीं करना, सिंपल डालो नेट पे, सब कुछ अवेलेबल है आपको, ठीक है। ग्रेट बेटा, डन। सो टुमारो वी विल फिनिश अप विद ऑल दीज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ओके, या ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कोई भी एक खत्म कर लेंगे जल्दी से जल्दी, एक लेक्चर में आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो जाएगा। इसमें मैंने मैक्सिमम आपका नेशनल पार्क खत्म कर दिया हमने, है ना, नेशनल पार्क्स वी कवर्ड मेनली, ठीक है ना। तो आपको नेशनल पार्क अलग से नहीं करवाए जाएंगे, ये बीच में ही कवर हो चुके हैं आपके, ठीक है ना। डन, यहाँ तक क्लियर बेटा, एवरीवन बताइए। गुड गुड गुड, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट विजुअलाइजिंग दीज थिंग्स। अगर आप इसको विजुअलाइज करके पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में तो आप जितना उसको मजे लेके पढ़ोगे उतना ज्यादा रिमेंबर रहेगी आपको, ठीक है। सी यू गाइस टुमारो, होपफुली इन द मॉर्निंग, ठीक है, ओके गाइस, सी यू, बाय। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। गुड, चलो मिलते हैं हम कल, ओके, बाय।